महराजपुर स्थित केहरपुर सोसाइटी में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2019-20 के वित्तीय पत्रक का अनुमोदन व 2020-21 के अनुमानित बजट व आय के विषय में किसानों को बताया गया और जो लक्ष्य इस वर्ष रखे गए हैं उन्हें किसानों के साथ साझा किया गया। लैम्स के अंतर्गत 800 किसान जुड़े हुए हैं। सभा में फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, विद्युत संग्रहण का कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व आय व्यय के पत्रक किसानों को पढ़कर सुनाए गए। कार्यक्रम का आयोजन कोरोना से बचने की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। सर, आज केहरपुर लीड सोसाइटी महाराजपुर में क्या आयोजन हुआ है? आज वार्षिक आम सभा जो प्रतिवर्ष होती है और 49 के अंतर्गत आम सभा करना अनिवार्य है शासन के द्वारा आदेशित है, तो आम सभा का आयोजन किया गया। क्या इसमें क्या विषय रखे गए हैं? विषय इसमें 7 विषय थे हमारे, जो किसानों को पढ़ के सुनाया गया कि वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्र का अवलोकन, वित्तीय पत्र जो पिछले बार तैयार हुआ था उसका सहायक आयुक्त से अनुमोदन होकर आ गया है और उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई है, बल्कि और समिति के विस्तार करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। दूसरा था 2020-21 के अनुमानित बजट, तो अनुमानित बजट पढ़ के बताया गया लोगों को कि ये अनुमानित 2021 में हमको करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम से कम 20 लाख की आय करना है, उपार्जन में 22 लाख की आय करना है, खरीदी में 40,000 कुंटल कम से कम खरीदना है, बारदाना में कम से कम 5 लाख की आय होना चाहिए, विद्युत संग्रहण में 1.5 लाख है ना, और शासन से जो ब्याज मिलता है तो उसके आंकड़े तो बाद में जब ब्याज आता है तब देखते हैं, तो इस प्रकार का अनुमानित बजट। कितने किसान हैं अपने इस लैम्स के अंतर्गत? जो अभी वर्तमान में नहीं, वर्तमान में जो अभी लेन देन कर रहे हैं, जो ड्यू डेट हैं, तो वो 366 हैं, और जो ओवर ड्यू है, जो वर्षों से लेन देन नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या 800 करीब है। क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप किसानों को शासन द्वारा? एक तो फसल बीमा गारंटी दे रही है, फसल बीमा हो रहा है तो अगर क्षति होती है फसल में तो उनको मुआवजा मिल रहा है। किसान सम्मान निधि सरकार द्वारा दी जा रही है, सोसाइटी से खाद बीज उपलब्ध कराई जा रही है, 0% में उनको खरीफ और रबी दोनों प्रकार का ऋण दिया जा रहा है ना, और विद्युत संग्रहण का काम हमारे यहाँ हो रहा है तो उससे भी सुविधा हो रही है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो है सभी पंचायतों में दुकानें, तभी शासन के द्वारा जो नई योजनाएं आई हैं उसके विषय में। एक नई योजना में पशुपालन योजना सरकार ने भी प्रारंभ किया है, उसमें जिनके पास भी दुधारू गाय या भैंस हैं तो उसके लिए प्रति गाय 15,000 रुपये और भैंस के लिए 18,000 रुपये उनके आहार और उनके शेड एड में उनकी व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसमें 10.5% ब्याज के भी शासन द्वारा लेने का प्रावधान है उसमें, और एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के अंदर जो पैसा जमा करना पड़ेगा, तो इससे उनका भी आर्थिक विकास होगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा उनका, पशु की सुरक्षा होगी तो वो लंबे समय तक बीमार नहीं होंगे और दूध देते रहेंगे इस प्रकार से। जी धन्यवाद सर। आप किसान हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ से, और ऐसी कोई समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा हो? नहीं, ऐसा अभी तक में तो ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किसान होने के नाते मेरे को तो सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, समय पर खाद बीज भी उपलब्ध हो जाती है, और यदि यदा कदा कहीं कोई बात होती है किसी किसान बंधुओं के द्वारा देर सवेर कोई लेन देन में भी, तो हम लोगों के द्वारा सब प्रयास ऐसा किया जाता है कि हमारी संस्था का भी उत्थान हो इससे, और जिससे हमारी संस्था मतलब विकास कर सके। अब जिस प्रकार से हमारे संस्थागत कर्मचारी हैं और कृषक बंधु भी हैं हमारे, तो इन लोगों के द्वारा भी जैसा लेन देन हो रहा है वह अथा समय लेन देन तो सुचारू रूप से चल रही है, जिससे हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं? नहीं, अभी तक में तो कोई ऐसी समस्या नहीं। अभी तक खुश हैं आप लोग? जी जी, अभी तक में। अभी तक खुश हैं सर आप लोग? भैया किसान हैं आप लोग सर? नहीं, कोई समस्या नहीं है। जी धन्यवाद।